नमस्कार, मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं फुल टू कॉमर्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और लाइक शेयर कमेंट करें। आइए आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बजट चैप्टर गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करें। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है गवर्नमेंट बजट होता क्या है। मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन, यानी आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू द, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। आप गवर्नमेंट बजट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच शोज आइटम वाइज एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल ईयर। यानी एक साल में गवर्नमेंट की रिवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन गवर्नमेंट बजट होता है। आपसे पूछेगा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, जैसे पूछ दिया कि गवर्नमेंट प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझाइए, यानी गवर्नमेंट आपको आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बताइए। आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव बताना है, आपको ये पूछेगा प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताना है ऑब्जेक्टिव। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है गवर्नमेंट के किसी एक सेक्टर से अगर प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, उस सरप्लस को वहां पे एलोकेट करना जहां पे रिसोर्सेज की जरूरत है। तो यानी किसी एक सेक्टर से प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को उस जगह एलोकेट करना जहां पे इकोनॉमी में रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसे रिच पीपल है उनसे टैक्स लिया और जो पुअर है उन पे हमने एलोकेट किया, उस रिसोर्सेज को लगाया। दूसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट हर बजट में क्या करती है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए जो रिच पीपल है उस पर हायर टैक्स लगाती है और जो पुअर पीपल है उन पर सब्सिडीज वगैरह सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, या उनको स्कॉलरशिप डोनेशन या यूनिलैटरल ट्रांसफर प्रोवाइड करती है। इस तरह से उनके बीच की इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हर बजट में गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करती है कि अगर मान लीजिए आपका पिछले बजट में अगर 10.5 जीडीपी है तो इस बार 11 होना चाहिए, यानी जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है कि हर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उनका जीडीपी यानी ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में तो आप पता ही है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इन चार में से कोई एक 100% पूछता है। उसके बाद आता है बजट। देखिए बजट दो टाइप के आते हैं, बजट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट का मतलब होता है जो रिपीटेड नेचर के होते हैं, यानी जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो बार बार होते हैं, और कैपिटल बजट होता है जो लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी रिवेन्यू छोटे मोटे खर्चे, लंबे बजट। छोटे मोटे बजट में दो चीजें होंगी, रिवेन्यू रिसीप्ट होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू बजट है तो रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट है तो कैपिटल रिसीप्ट होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। देखिए रिवेन्यू रिसीप्ट होते क्या है, यानी जो गवर्नमेंट के बार बार रिसीप्ट होते रहते हैं वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं टैक्स से, एक होता है नॉन टैक्स से। टैक्स से क्या होगा, टैक्स से डायरेक्ट टैक्स आएगा और आपका इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में आता है जैसे फीस एंड फाइन, ये टैक्स नहीं है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो फाइन लगेगा आपको। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, ठीक है। तो ये नॉन टैक्स में आता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से, जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, जो एक्सपेंसेस होते रहते हैं, कौन कौन से होंगे बताइए? एजुकेशन पे खर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो आप, सैलरी देते हो, गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो ये सारी चीजें क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आता है बजट। देखो कैपिटल बजट, कैपिटल बजट में दो चीजें होती है, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट मतलब क्या, जो लॉन्ग टर्म की रिसीप्ट होती है, जैसे बोरोइंग, सरकार ने लोन लिया तो इससे क्या होगा, सरकार के एसेट्स लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। दूसरा आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेच देना। उसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन, लोन आया, और एक है डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय के एक्सपेंडिचर हैं, तो कौन कौन से होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ, सरकार बिल्डिंग बना रही है तो वो हो गए,
फ्लाईओवर बना रहा है तो वो हो गया, मतलब जो जो लॉन्ग टर्म जो सरकार के एसेट्स को क्रिएट करता है, या रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया और इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये सरकार के खर्चे हैं। अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीप्ट्स कौन से होते हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। देखिए रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर जो हो वो होता है, आप जब एक्सपेंडिचर करते हो कुछ ना कुछ एसेट्स बनता है, और रिसीप्ट जो होती है वो लायबिलिटी को क्रिएट करता है। ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर एसेट्स को इफेक्ट करता है, क्रिएट करता है, और रिसीप्ट्स लायबिलिटी को। डेफिनेशन क्या है इसका? अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, नाइदर क्रिएट असेट्स, सॉरी, जो लंबे समय के खर्चे होते हैं वो असेट्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो मैं यहां से देखिए इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, जो हमारे असेट्स को क्रिएट करे, आइदर क्रिएट असेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। यानी लंबे समय के खर्चे, वो खर्चे जो हमारे असेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी आइदर क्रिएट असेट्स, क्योंकि जब हम फ्लाईओवर बना रहे हैं तो गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो गए और इसमें लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई कि अब हमें वहां पे नहीं बनाना है। अब देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये वो खर्चे हैं जो बार बार होते रहते हैं गवर्नमेंट के, तो ना ही हम ऐसे कह सकते हैं, ना ही क्रिएट करता है असेट्स को, नाइदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। अगर रिसीप्ट, देखो रिसीप्ट मैंने बताया, रिसीप्ट क्रिएट करता है लायबिलिटी को, तो यहां पे लिखेंगे आइदर क्रिएट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ई फॉर आइदर क्रिएट असेट, सॉरी आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स, यानी लायबिलिटी को क्रिएट करता है, असेट्स को करता है। अब यहां पे आइए, ये छोटे समय का तो नहीं करेगा, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट्स, यानी रिसीप्ट लायबिलिटी को क्रिएट करता है, तो कैपिटल वाला करेगा, रिवेन्यू वाला नहीं करेगा। तो आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट्स। तो ये छोटे मोटे टर्म्स है। तो आपने क्या पूछेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंस पूछ सकता है, कैपिटल रिसीप्ट्स और रिवेन्यू रिसीप्ट्स में डिफरेंस पूछ सकता है। देखिए उसके बाद आता है बजट। बजट हम ऐसे कह सकते हैं कि बजट बैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी बजट हो सकता है। बैलेंस बजट का मतलब जहां पे इनकम और एक्सपेंसर बराबर हो, और इम्बैलेंस बजट का मतलब होता है जहां पे, या अनबैलेंस भी बोलते हैं, इम्बैलेंस बजट का मतलब जहां पे इनकम एक्सपेंसर बराबर नहीं हो। तो जब इनकम ज्यादा होगी तो फायदे का बजट होगा, जिसे सरप्लस बजट बोलते हैं। अगर खर्चे ज्यादा है तो वो डेफिसिट बजट। यानी अगर मैं आपको यहां पे एक छोटा टॉपिक में एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि बजट डेफिसिट होता क्या है, तो बजट डेफिसिट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। आप ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट हमेशा इक्वल्स टू होता है बोरोइंग के। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रिवेन्यू अकाउंट ज्यादा, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रिवेन्यू रिसीट से। यानी हम ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स कर सकते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, प्लान प्लस नॉन प्लान। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं रिवेन्यू रिसीट्स टैक्स प्लस नॉन टैक्स। देखिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार का टोटल खर्चा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, क्योंकि बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट के बराबर होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को नहीं लेंगे रिसीप्ट में। यानी टोटल रिसीप्ट दो होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर दो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये होंगे कैपिटल रिसीप्ट्स प्लस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये चैप्टर है बजट का, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत मजेदार, 6 नंबर का आता है, तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे रिवेन्यू डेफिसिट है तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। सरकार के टोटल खर्चे ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है सरकार के खर्चे। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी डेट ट्रैप हो सकता है, तो इसके इंप्लीमेंट भी पूछ देता है।
ठीक है ना। तो ये बजट का चैप्टर है, जो ओवरऑल जो बोर्ड में आते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है, बाकी डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।